मेरी जान, मेरी बात नहीं मानेगी तू? यार एक बार बुला तो सही, मैं भी तो देखूं कौन सी जान है तुम्हारी। आज मैं तुम्हारी जान ये सबक सिखा दूं, धोखा दे रही मम्मी। हाँ भजी बेटा। मम्मी पापा बाहर सोफा पे बैठे बैठे कई लड़की से बात कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मेरे बाबू, मेरा सोना, मेरी जान, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी मेरी जिगर की छल्लो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं बातें। क्या? हाँ मम्मी, तुम्हें ये तो बताने आया हूँ मैं, भागो भागो, वो भी लड़की पापन से जानू सोना बाबू कर रही है। वो लगा बहुत दिन तो चक्कर चल रहा पापन का वाला लड़की पे। क्या? हाँ मम्मी, आ जल्दी दिखाऊं तुम्हें, जल्दी आ। तो मेरे को एक बात बताओ, कितना प्यार करते हो तुम मेरे से? अरे मेरी जान मन, मैं तेर से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता जितना मैं तेर से प्यार करता हूँ। मैं तो सिर्फ तेर से ही शादी करता, यूँ तो मेरे पल्ले पड़ी गई है जिन कहाँ से। भज्जी यार एक बात पूछू तो ते? हाँ पूछ। यू जिंदगी भी पतो ना कौन ने बनाई है। देख यार टाइम हम कहीं भी घूम सके और काई भी लड़की माई लाइन मार सके, और वैसे भी हमने तीन तीन चार साल लड़की पटा भी रखी है, और जैसे ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी हमारी, वही हिसाब के हमारी शादी हो जाएगी। और कोई टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम पे पाँच पाँच छह छह बालक होंगे, समझ रहे हो मेरी बात है? हाँ समझ रहा हूँ, तो बोल तो जा क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देख जैसे यू हमारी उम्र है, खूब लोड़िया पटा रहे और आगे भी पटाते रहेंगे, यू आदत हमारी कभी छूटेगी तो है ना? हाँ सही कह रहे हो। और आगे चल के जब हमारी शादी है जाएगी, हम पे पाँच पाँच छह छह बालक है जाएंगे, तब वा टाइम पे कोई लड़की हमारे माई लाइन मारे करेगी का हम का वा छोड़ देंगे? ना छोड़े, बिल्कुल भी ना छोड़े। तब भी बाकी लेने की सोचेंगे ना, ऐसे ही है? सही कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ना छोड़ू, वा टाइम पे कोई लड़की मेरे माई लाइन मारेगी, मैं अब ना छोड़ू, वा टाइम पे कैसे छोड़ दूंगा, बहुत कुत्ता आदमी हूँ मैं तो इन चीजों में। तो मैं यू कहना चाह रहा हूँ, हमारे पापा भी काई टाइम पे हम जैसे ही होंगे, वो भी खूब लोड़िया बाजी करते होंगे, है नी? खूब लोड़िया पटाई होंगी उनने अपने जमाने में। वा टाइम पे हमारे पापन माई कोई लड़की लाइन मारती होगी, पापा का बात छोड़ देते होंगे? बिल्कुल भी ना छोड़ते होंगे। तो जब हमारे पापन ने हमारी कई सेटिंग के बारे में पता चल जावे का, या छोरा को या छोरी ते चक्कर चल लो, तो हमारी गांड पे डंडा काई को तोड़ देने हो, तो उनको यू ना सोचनी चाहिए कि यू उम्र ही ऐसी हो गए सबकी टुंटनी में जान भरी रहे या टाइम, और ऐसे अब करे भी होंगे उनने, तब भी हमारी गांड सजा दे, और हमें ऐसी सीख देंगे कि बेटा कुछ ना रखो इन चीजन में, गांड पे डंडा ही बाजे और बदनामी लगते हो गए, ऐसी ऐसी बात ने और करे हमारे साथ। और जब अपने जमाने में यू सब चीज करते होंगे, उन्हें जमना दिखती होगी कि हाँ हम भी इन चीजन नहीं करे करे, और हमें ऐसी शिक्षा देने कि बेटा कुछ ना रखो इन चीजन में, घर बिगड़ जाने, घर बर्बाद है जाने, और हमारी सी उम्र पे उनकी हमारी जैसी सोच होगी कि पता लिए तो लय बिगन न छोड़ू, हाँ चाहे कुछ भी है जा बाद में देखी जाएगी, जो होगा लय बिगन न मानू, जान दे दूंगा या के लिया तुम। आज तो को आज ऐसी बात काहे को कर रहा हो तू, सगरी बात ना पापन के ऊपर ही ले जा रहा हूँ, काहे को वाह बात है बता। अरे आज पापन ने बजा दियो मुँह पे। पापन ने बजा दियो काहे को? अरे आज मैं सुबह सुबह फोन पर सबो ते बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही ऐसे सबो मोते कहवे के धनुआ आई लव यू बोले एक बार मोते, तो मैंने जैसे ही आई लव यू बोली तो पापा आ गए सामने, पापन ने सुन ली के काई लड़की ते आई लव यू बोल लो, तो सुबह सुबह पापन ने इतना डंडा तोड़ा मेरी गांड पे, अभी भी सही तो बैठा नजर आ रहा है, और कह रहे ऊपर से अभी करवाऊंगा तो पर लोड़िया बाजी इश्क करवाऊंगा तो पर इश्क, या मार कह रहा हूँ मैं, हमारे पापा ने करे होंगे यू, अब हम पे डंडा बजा रहे हैं, पहले अपनी सोच का तो मार करे, मैं कहा कि हाँ यू यू उम्र ही ऐसी है, हो गए ऐसे टाइम पे हो गए यू सब, हमने भी करो काई टाइम पे इश्क, यू यू बस सोच लेना चाहिए ना एक बार, और अब ऐसा दिखाओ मैं कहा हम कितने शरीफ है, देखो ना सोची तीन डंडा धरे पापन के सामने, तीनों ही तोड़ दिए मेरी गांड पे, मैं कह रहा पापा अब ना करूं अब ना करूं, अरे कदई कैसे जाएगा तो कदई कैसे जाएगा कदई कैसे जाएगा, ऐसे डंडा बजा रहे मुंह पे, देखो ना सुनी मेरी बात, तू ही सोच तेरे पापा ने ना करा होगा यू सब, तेरे पापा तो अमीर है, उनके माई तो बहुत लड़की लाइन मारती होंगी और अब भी मारती होंगी, अब भी उनकी कई कई सेटिंग होंगी। माधर चोद मेरे पापन के बारे में उल्टा सीधा मत बोल दे, यहाँ मेरे पापा ना आए वैसे, पहले होंगे होंगे पर अब ना आए ऐसे, अब ना कर रहे ऐसे, अब ना होगी उनकी एक भी सेटिंग, या बात अब तू गलत बोल रहा है। तेरे पापन पे तो करोड़ों रुपए अब भी सेटिंग लेकर आएगी एक आध, हाँ तेरे पापन की। अब जागरा बोल रहा तू, तू ना लगे ऐसा। हाँ ना लगे मुझको ऐसा, मेरे पापा सिर्फ मेरी मम्मी से प्यार करते हैं, सुनी था ना, मेरी मम्मी से पहले चाहे पापन की 10 सेटिंग सही चाहे 20 सेटिंग सही, अब सिर्फ मम्मी से प्यार करते हैं मेरे पापा, जब पापा कुछ
ना होगी एक भी सेटिंग पापन की। पहले चाह 100 हो चाह 200 हो, पर अब एक भी ना होगी पापन की। चल तू ही सोच यह बात, तू हो तो अपनी पापन की जगह और तेरे माई कोई लड़की लाइन मारती स्मार्ट सी, फिर तू का करतो? मैं तो पका ले तो मैं हुई लोड़िया बात, पापा थोड़ी है हमारे लोड़िया बात, पहले हमने कभी पर अब ना। तो वही बात है, तो हम तोते कहना चाह रहे हैं तेरे पापन माई कोई लड़की लाइन मारती होगी, तेरे पापा का यूँ कहते होंगे कि ना अब मेरी बहू है, अब मैं तेरे माई लाइन ना दंगो, अब मैं तो पटांगो ना, ऐसे ऐसे थोड़ी कहते होंगे तेरे पापा। यूँ कह देते होंगे कर तो लंगो पर काये पतो ना चलनी चाहिए यू बात, ऐसे ऐसे और करते होंगे तेरे पापा, पर पता लेते होंगे, मने नहीं करते होंगे काई लड़की थे तू भी उनको ही खून है, तेरे पापा भी ऐसे ही होंगे काई जमाने पे जैसा तू है। अब के और हमें के मेरे पापन के बारे में कुछ अनाप शनाप लेकर हो ना तो मैं बता रहा हूँ, तू अभी छेद दूंगा, बहुत देर रहेगी तू चबर चबर करते हुए करो का मेरा खाना खा मूड खराब। ए ना बोलूं तेरे पापन के बारे में कुछ, आगे चल के मेरे भी बालक बच्चे होंगे और वो भी लोड़ियाबाजी करे बगैर मानेंगे ही ना, ना मानेंगे, मैं खुद सोच रहा हूँ यह बात, ना माने लोड़ियाबाजी करे बगैर और मोको वाटन पे पता चलेगी ना, कहा मेरे छोरा को चक्कर या छोरी तो चल लो, मैं अपने छोरा पे हाथ भी ना लगाऊंगा। हाँ यो कह दूंगा बेटा हो बे या उम्र पे हो बे, ऐसा हम भी ऐसे ही या उम्र पे हमने भी खूब लोड़ियाबाजी करी, ऐसा कह दूंगा मैं अपने छोरा पे अपने पापन की तरह गांड पर डंडा ना तोड़ू मैं, हाँ जैसे मेरे पापन ने मेरी गांड पे आज बजाया का। तो धनवा चल रहा हूँ फिर मैं है। हाँ ठीक है ठीक है, फिर कभी आऊंगा ठीक है। हाँ कभी भी आ जाइयो, तेरा ही घर है, कभी भी आ जाइयो। तगड़ा डंडा तोड़ दियो दी है के पापन ने आप है, पर वैसे सही बात कह रहा हूँ धनवा, ऐसे ऐसे ना बजाना चाहिए काई के पापन ने काई पे। हेलो कैसे याद आ गई जाने मन? क्यों याद भी नहीं कर सकती क्या हमने? याद कर सकती है क्यों नहीं कर सकती, पर बाबू अभी मैं घर पे बैठा हूँ। मैं इसीलिए तेर से कह रहा हूँ, घर पर किसी को पता चल जाएगी ना तो लफड़ा हो जाएगा, मैं ऑफिस जाके बात करूँगा तेर से। ठीक है? नहीं बाबू मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अरे मैं तेर से कह रहा हूँ ना, मैं घर पर बैठा हूँ अभी बात नहीं कर सकता मैं। मैं घर पर आ रही हूँ तुम्हारे, मुझे एक बार आपकी शक्ल देखनी है, बहुत दिन हो गए मुझे आपकी शक्ल देखे बगैर। घर पे मत आइयो, घर पे मेरी वाइफ और मेरा लड़का भी है, देख लेगा तुझे। मैं आ रही हूँ, मैं कोई बहाना बना दूंगी, मुझे बस आपको एक बार देखना है। मेरी जान मेरी बात नहीं मानेगी तू? यार एक बार बुलाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कौन सी जान है तुम्हारी। आज मैं तुम्हारी जान ये सबक सिखा दूं, धोखा दे रही मम्मी है। मेरी बात नहीं मानेगी तू? मम्मी। हाँ भजी बेटा। मम्मी पापा बाहर सोफा पे बैठे बैठे कई लड़की से बात कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मेरे बाबू मेरा सोना मेरी जान मेरा जिगर का टुकड़ा मेरी जिगर की छल्लो, ऐसे ऐसे कह रहे हैं बातें। क्या? हाँ मम्मी तुम्हें ये तो बताने आया हूँ मैं, भागो भागो, वो भी लड़की पापन से जानू सोना बाबू कर रही है, वो लगा बहुत दिन तो चक्कर चल रहा पापन का वाला लड़की पे। क्या? हाँ मम्मी आ जल्दी दिखाऊं तुम्हें, जल्दी आ। तुम मेरे को एक बात बताओ, कितना प्यार करते हो तुम मेरे से? अरे मेरी जान मन, मैं तेर से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इतना अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता जितना मैं तेर से प्यार करता हूँ। मैं तो सिर्फ तेर से ही शादी करता, यूँ तो मेरे पल्ले पड़ी गई है दिन कहाँ से, मेरा तो नसीब फूटा हुआ था जो मेरे को ये मिल गई, मेरे को तो तू पसंद थी शुरू से तू। अब भी तेर से इतना प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था और हमेशा करता रहूंगा, सुन रही है मेरी जान? इतना प्यार करता है मेरा बाबू मेरे से? बहुत प्यार करता हूँ तेर से बहुत। तो मैं आपके घर आ रही हूँ, मुझे आपको एक बार देखना है। अगर मेरी वाइफ तेर को मुझसे बात करता देख लेना मेरे कमरे में, तो तू बता दियो मैं ये लेने आई थी, मतलब बहाना बना दियो किसी चीज का। ठीक है? हाँ समझ गई, तो आ रही हूँ मैं। ठीक है? हाँ आजा जल्दी आजा। तू आ तो जा एक बार कमरा में ना, तेरी आज टांग उठा दी, बहुत मन कर रहा तेरा शक्ल देखने को मेरी, आ जा तू। वाह पापा वाह, क्या गुल खिला रहे हो तुम, हमें ना पता ही तुम ऐसे हो, आखन में शर्म रही है नेक अब ना ही है, वो तो तुम नेक नेक बात पे भज्जी महका कर रहा हो, तू महक अपनी ऐसी तैसी मरा रहा है, नेक नेक बात पे डांटो और तुम लोड़ियाबाजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म ना रही नेक भी। ए, बेटा मैं तो ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की एक बात चल रही तुम्हारी, हाँ कौन से ऑफिस की बात चल रही, कौन से ऑफिस की बात ना चल रही, सुनी तुम पे आज टांग उठवाऊंगी, आज वह हूर की परिया देख तो लो कौन से चक्कर चला रखा हो तुमने। ए पापा तुम्हारी चांद के बाल सफेद पड़ते जा रहे हैं, अब तो यह लोड़िया बाजी छोड़ देते, अब तो यह प्यार व्यार के नाटक छोड़ देते हैं, अब
अरे यार तुमने गलत सुन लिया है, तुम्हें पता है मैं किसकी टांग उठाने की बात कर रहा था? कल मेरे हाथ से पेन छूटकर फर्श पर गिर गई, तो जैसे मैं उस पेन को उठाने को हुआ तभी एक लड़की आकर उस पर पैर रख देती है। तब मैंने उस लड़की से कहा था कि आज मैं तुम्हारी टांग उठा दूंगा अपनी पेन निकालने के लिए। और तुम जन कहा समझ रहे हो, मोगू चला रहे हो तुम? मैंने पापा दुनिया चलाई है, दुनिया तुम्हारा ही खून है मेरे अंदर, और तुम मुंह चला रहे हो हैं? दुनिया चलाई है मैंने, जन कितनों की थूथ छेद दी मैंने, और बचने के लिए बाद में ऐसी डायलॉग चले थे मेरे, और तुम मुंह चला रहे हो। एक वो एक बात सुन ली है तुमने, कहाँ बात चल रही है और कहाँ बात ना चल रही, आन दवा कौन है तुम्हारी भूर की परी ये देखूंगा बात, तुम्हारी जान मन तुम्हारी जिगर की छलो ये देखूंगा। पीछे भज्जी की मम्मी, मेरा काय ते चक्कर ना चल रहा, मैं सही कह रहा हूँ? गलत पंगा ले लिया है आज तुमने मेरे से, सुनी भज्जी चुप, आवाज ना निकलनी चाहिए मुंह में से। भज्जी बेटा, हाँ हाँ मम्मी, डंडा लेके आजा। हाँ हाँ ला रहा मम्मी, अभी ला रहा। मम्मी डंडा ना मिलो, यूं चल जाएगा, जल्दी दे कुछ भी चल जाएगा आज। आजा, कितना टाइम लगाएगी, तुझे ही देख लूं आज। बहन दो प्याज दे दियो, मेरी प्याज खत्म हो गई घर की, जैसे ही हमारे घर प्याज आ जाएगी तो मैं तेरी प्याज वापस कर जाऊंगी। दे दियो बहन दो प्याज। जरूर मिलेगी प्याज, क्यों नहीं मिलेगी, प्याज भी मिलेगा, लहसुन भी मिलेगा, मिर्च भी मिलेगी और नमक भी मिलेगा, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। मम्मी इसको दिया जाए, क्या मांग रही है ये? बता बता और सुन, यू बता काहे को आई यहाँ पे? मम्मी ढकिया सीमा।